Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, hope you all are doing well. So this is me, Amin Ali, and today I'm back with another video. So आज का जो टॉपिक है वो ये है रेगुलर सेंटेंसेज. इसमें हम सेंटेंसेज में लिखे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस है आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया. जस्ट का मतलब है अभी अभी. इसका मतलब है कि जहाँ पर भी जस्ट आएगा वहाँ पर हम बात करेंगे अभी अभी, उसका मतलब होगा. जैसे कि आमना टोल्ड मी, आमना जस्ट टोल्ड मी दैट हाउ टू बेक केक. आमना ने मुझे अभी अभी बताया कि केक को कैसे बनाती है. ही इज मेकिंग मी एंग्री, ये यहाँ पर रहता है. ही मीन्स मेकिंग मी एंग्री, वो मुझे गुस्सा दिला रहा है. ही इज मेकिंग मी एंग्री. ही इज मेकिंग मी डू दिस, वो मुझसे ये करवा रहा है. मैं खुद नहीं कर रही, वो मुझसे ये करवा रहा है. ही इज मेकिंग मी डू दिस. ही वॉन्ट्स मी टू गो आउट, वो ये चाहता है कि मैं बाहर चले जाऊँ. ही वॉन्ट्स मी टू गो आउट. दे डोंट वॉन्ट मी टू मीट यू, वो ये नहीं चाहते, वो मुझे तुमसे मिलना नहीं चाहते. वो ये नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूँ. अब यहाँ पर ये ऐड करते हैं कि वॉन्ट के बाद हम टू लगाते हैं, पर यहाँ वॉन्ट से फिर बाद में, ये तो हमें पता है कि हम टू लगाते हैं, पर यहाँ पर हम एक ऑक्सिलरी वर्ब भी ऐड करते हैं लाइक मी, हर, हिम. तो फिर उससे ये मेंशन हो जाता है कि सेंटेंस में वो बता रहे हैं दे डोंट वॉन्ट मी टू मीट यू. ही कैन डू बाई हिमसेल्फ, वही खुद कर सकता है, वही खुद ये कर लेगा. यहाँ पर बाय भी आप ऐड कर सकते हैं, ही कैन डू बाय हिमसेल्फ, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते, सो इट्स ओके. यू गॉट बी किडिंग मी, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो. यू गॉट टू बी किडिंग मी, तुम मेरे से मजाक कर रहे हो. आर यू किडिंग, तुम मजाक कर रहे हो क्या. आई डेंट मीन इट, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो इरादा नहीं था, या फिर मेरा वो इंटेंशन नहीं था जो कि हो गया. आई थॉट, मैंने ये सोचा. आई थॉट. आई डोंट थिंक सो, मेरा ये ख्याल नहीं है. लाइक आई डोंट थिंक सो शी विल कम, मेरा ये ख्याल नहीं कि वो आए. आई डोंट थिंक शी विल कम, मेरा ये ख्याल है शायद वो आ जाए. आई एम ऑन वे, मैं रास्ते में हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ, या फिर आप कुछ भी अगर आपने करना है, मैं रास्ते में हूँ घर की तरफ, तो आप टू लगा के आगे होम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐड करेंगे. टेक हिम आउट, इसको बाहर ले जाओ. जब हम किसी को बोलते हैं ना इसको बाहर ले जाओ, टेक हिम आउट. ये आई वुड बेटर बी ऑन माई वे, ये अच्छा सेंटेंस है, इसको आप भी यूज़ करें अपने सेंटेंस में. आई वुड बेटर बी ऑन माई वे, इसका मतलब ये कि मुझे छोड़ देना चाहिए. आई शुड लीव, मुझे ये जो है ना ये मैटर ये यहीं पर छोड़ देना चाहिए. आई वुड बेटर बी ऑन माई वे, यहाँ पर इसका मतलब कुछ और है, पर यहाँ पर इसका मतलब है आई शुड लीव, मुझे ये छोड़ देना चाहिए. आई केम अप विद एन आइडिया, हम बोलते हैं ना आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, पर यह कोई वो पुराना ही कुछ नया है. आई केम अप विद एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया. मीनिंग दोनों का सेम है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू आर न्यू एट माय चैनल सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.